खबरदार, अब छींक मारना मना है वरना टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, हुकूमत ने आईएमएफ की एक और शर्त भी मान ली। हुकूमत ने आईएमएफ की एक और शर्त मानते हुए अद्वियात पर टैक्स आयद कर दिया है। हुकूमत ने हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्स रियायत खत्म कर दी, जिसके बाद हर्बल दवाओं पर भी टैक्स आयद होगा। दस्तावेज के मुताबिक सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल में हर्बल और होम्यो अद्वियात पर सेल्स टैक्स आयद होगा। नजला, जुकाम और खांसी के जोशांदे पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। दस्तावेज में हर्बल की सैकड़ों अद्वियात पर भी 18% सेल्स टैक्स लगेगा। दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ हर्बल शरबत और गोलियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। होम्योपैथिक के तमाम शरबत और क्रीम पर भी सेल्स टैक्स आयद होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेज के सफा नंबर 77 में सेल्स टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल खबरें सामने आई थीं कि आईएमएफ के मुतालबे पर अद्वियात पर 10-18% तक सेल्स टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। विफाकी हुकाम का कहना था कि अद्वियात की कीमतों को डी रेगुलेट करने का फैसला साबिक निगरान हुकूमत ने किया था।